नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चार महीनों से रायसेन जिला मुख्यालय सहित आसपास के 36 गांवों में लगातार टाइगर के मूवमेंट के कारण फैली दहशत आखिरकार आज खत्म हो गई। बीते 10 दिनों से रायसेन नतापानी सेंचुरी सहित पन्ना कान्हा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और वन विहार भोपाल की 150 जवानों की टीम 5 हाथियों के दल बल के साथ इस टाइगर का रेस्क्यू करने के लिए तपती गर्मी दोपहरी में जंगल में कड़ी मेहनत कर रही थी, जिसके बाद बाघ को वन विभाग द्वारा आज दोपहर करीब 2:30 बजे आखिरकार पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि बीते माह बाघ ने तेंदुपत्ता तोड़ रहे बुजुर्ग मणिराम जाटों पर हमला कर मार डाला था, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया और आज आखिरकार बाघ की दहशत से किसानों को निजात मिली। अब इस आदमखोर टाइगर को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सुरक्षित भेज दिया जाएगा। पिछले 10 दिनों से कान्हा और पन्ना रिजर्व फॉरेस्ट से 5 हाथियों सहित 100 से अधिक वन विभाग के जवानों डीएफओ विजय कुमार से लेकर एसडीओ सुधीर पटले और रेंजर जंगलों में रॉयल बाघ का रेस्क्यू करने में लगे। गुरुवार को बाघ का मूवमेंट रायसेन शहर के पास स्थित सुरई के जंगल में बाघ को घेर कर 2 इंजेक्शन से 2 घंटे में बेहोश कर बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया है। 1 महीने पहले नीमखेड़ा निवासी तेंदुपत्ता श्रमिक मणिराम जाटव का इसी बाघ द्वारा शिकार किया गया था। आज जैसे ही बाघ के पकड़े जाने की खबर एबीपी न्यूज चैनल टीम को मिली तो हमने मौके पर पहुंचकर टाइगर को लाने वाले वाहन को स्पॉट किया। हम आपको यहां बता दें कि करीब 6 महीने से आदमखोर बाघ रायसेन शहर के आसपास ही जंगलों में अपना डेरा डाले हुए था। डीएफओ विजय कुमार ने टाइगर के रेस्क्यू होने के बाद भी लोगों से घने जंगलों में सतर्कता से जाने की अपील की है, क्योंकि रायसेन जिले में अब भी 70 से ज्यादा बाघ तेंदुए रातापानी अभयारण्य और रायसेन के आसपास के जंगलों में मौजूद हैं। लेकिन रायसेन शहर सहित आसपास के 36 गांव में खौफ का पर्याय बन चुके इस टाइगर को अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कॉलर आईडी पहचान कर छोड़ जाएगा। और चूंकि ये क्षेत्र है तो आज एक बाघ गया है तो ऐसा नहीं कि कल दूसरा बाघ नहीं आएगा, और यहाँ पे बाघ हैं और आएंगे भी, लेकिन बस हमें कुछ सावधानियां बरतनी है। देखिये, जितने भी वन्य प्राणी है वो इंसानों से मनुष्य से पहले ही डरते हैं, लेकिन बाघ जो पकड़ा है ये कौन सा बाघ है? ये एक नर बाघ है जिसको मीडिया में रॉयल टाइगर के नाम से भी जाना जाता था अपने क्षेत्र में, और जो एक बार रायसेन शहर को भी इसने 2-3 बार क्रॉस किया है। ये वही बाघ था जिसने सर जो नीमखेड़ा पे शिकार किया था। एक इसमें मैं कहना चाहूंगा कि कुछ जगह एक ये चीज चल रही थी कि एक आदमखोर बाघ है, इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि ये आदमखोर नहीं था। हमने उस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया, वो एक दुर्घटना थी जिसमें बाघ अपनी निर्धारित बाघ जनरली जिन क्षेत्रों में रेस्ट करता है, एक नाला था ठंडा नाला जहां पे वो रेस्ट करता है, वहां पे वो एक समय ऐसा रहा जिस समय स्वर्गीय मणिराम जाटव जी वहां पहुंच गए और आमना सामना हो गया। बाघ को भी जब खतरा महसूस हुआ तो उसने अटैक कर दिया, तो वो एक दुर्घटना बस वो एक इंसिडेंट हुआ था। तो आदमखोर वो होते हैं जो पीछा करते हैं इंसान का। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए एमपी न्यूज़।